नमस्कार दोस्तों, घरेलू शिक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको फटी एड़ियां दूर करने के लिए घरेलू उपाय बनाना बताएंगे। दोस्तों, अगर आपके भी एड़ियां फटी है तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हें दूर करने के लिए घरेलू उपाय बनाना बताएंगे, जिनका प्रयोग करके आप इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला उपाय, एक बाल्टी गुनगुना पानी में 2 चम्मच नमक डाल दे। अब इस पानी में 15 मिनट तक अपने पैरों को डुबो कर रखे। इसके पश्चात अपने पैरों को तौलिए से पोंछ ले। पैर सूखने जाने के बाद अपनी एड़ियां पर सरसों का तेल मालिश करने से इस प्रतिक्रिया को 8 दिन तक लगातार करने पर एड़ियों की दरार भरकर ठीक हो जाती है। ये एक आजमाया हुआ असरदार उपाय है। दूसरा उपाय, एक केले को मसलकर अपनी एड़ियों में लगाए और लगभग 10 मिनट बाद एड़ियों को गुनगुने पानी से धोए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी एड़ियों की दरार भरकर मुलायम होना शुरू हो गई है। तीसरा उपाय, 10 नीम की पत्तियों को कूट पीस कर पेस्ट बना ले। अब इस पेस्ट में थोड़ा हल्दी मिलाए, एड़ियों पर लगाए और 1 घंटे तक लगाए रखे। अब एड़ियों को गर्म पानी से धो ले। ऐसा रोजाना करे और कुछ ही दिनों में आपको फटी एड़ियां ठीक हो जाती है। चौथा उपाय, फटी हुई एड़ियों के लिए ग्लिसरीन भी बहुत बढ़िया काम करती है। इसको लगाने से भी फटी एड़ियां भी भरने लगती है। फटी हुई जगह पर ग्लिसरीन को लगा ले, फिर कुछ देर बाद गर्म पानी से धो ले। पांचवा उपाय, कुनकुने नारियल तेल को रात के समय सोने से पहले हल्के हाथों से 10 मिनट तक मसाज करें, फिर सो जाए। अब सुबह गर्म पानी से एड़ियों को धो ले। ऐसा कुछ दिन नियमित करने से एड़ियां ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।